इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीही यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीही में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीही में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीही पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अध्याय दो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे,
जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीही के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीही यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वो अपनी उस कृपा से, जो मसीही यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीही यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीही के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को, जो बीच में थी, ढा दिया और अपने शरीर में बैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्य द्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अध्याय 3। इसी कारण मैं, पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीही यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं ममीह का वो भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों
और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीही के अगम में धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीही यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उसके कारण हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीही तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीही यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। अध्याय 4। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीही के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है, इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुवाई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्य द्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले
और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीही में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कले और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अध्याय 5। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता ना मूर्ता की बातचीत की ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है
मसीही और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जा और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो। क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीही कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीही भी कलीसिया के साथ करता है, क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीही और कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय मान। अध्याय 6। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिसना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए
उनका पालन पोषण करो। हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसी ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वो किसी का पक्ष नहीं करता। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं ही आपसे सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए ये आपसे बोलूं। और तुखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वो तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे।